हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 है आपका, शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप हिंदी इंग्लिश का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट का कक्षा 4 लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री का। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको इस चैप्टर में संप्रेषण के साधन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें संचार के साधन बताए गए हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में जब आप भी कभी अपने नाना नानी या अन्य रिश्तेदार के घर जाते होंगे तो यात्रा करने के लिए किसी यातायात के साधन का उपयोग करती होंगी। विश्लेषण कार्य में आपको करना है कि नीचे दिए गए यातायात के इन साधनों के नाम लिखें। तो ये हवाई जहाज़ है, ये नाव है, ये बैलगाड़ी टैक्सी और ये जहाज़ है पानी वाला। अगला है कि आपको एक अभ्यास क्रमांक 2 में लाल, नीली और पीली बत्ती का इशारा जो करती हैं वो बताया गया है। उसके आधार पर आपको नीचे विश्लेषण कार्य में करना है कि लाल बत्ती क्या बताती है। तो लाल बत्ती होने पर हमें रुक जाना चाहिए, पीली बत्ती हमें बताती है कि चलने को तैयार रहें और हरी बत्ती से चलना शुरू कर दें। क्या होगा यदि सड़कों की चौराहे पर बत्तियां नहीं लगी होंगी। तो सोचो यदि सड़कों के चौराहे पर बत्तियां नहीं लगी हों तो यातायात अस्त व्यस्त हो सकता है एवं दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है आपका 76। स्वाकलन वर्कशीट बताइए यहाँ हम क्यों जाते हैं। तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने, डाकघर जाते हैं, खत भेजने, बैंक जाते हैं पैसे जमा और निकलवाने, अस्पताल जाते हैं इलाज करवाने, स्कूल जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए। नक्शे में जो भी आपको पहचाना है नक्शा बनाते हुए, ठीक है, तो उन संकेतों को आपको लिखना है। अस्पताल का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये मंदिर का है, पुल, रेलवे लाइन और सड़क का है। ठीक है, अतीत और वर्तमान में अंतर नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अतीत और वर्तमान में क्या अंतर है, यानी आज से कम कई साल पहले क्या अंतर था वो आज क्या अंतर हो गया है, वो इस चैप्टर में हमको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारा अंतर हो गया है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं था आज सब कुछ है, है ना। और पहले जो खेल खेले जाते थे तो वो थे कबड्डी, खो खो, लुका छुपी, गिल्ली डंडा, दौड़। आज जो खेल खेले जाते हैं वो है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। तुम्हारे परिवार के सभी लोग अपने लिए किस तरह के कपड़े सिलवाते होंगे तो बताइए। तुम्हारे भाई ने पैंट, शर्ट, कुर्ता, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तुम्हारी बहन जी तो सलवार कुर्ता, तुम्हारी माँ साड़ी ब्लाउज, पिताजी तो कुर्ता शर्ट पैंट पजामा, तुम्हारी दादी जी साड़ी कुर्ता पजामा, तुम्हारे दादाजी। ठीक है, जो आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के समय में पहने जाने वाले कपड़े और वर्तमान समय में पहने जाने वाले कपड़ों में क्या अंतर है, है ना। तुलना, पहले के समय में पगड़ी, साड़ी, लुंगी, धोती, कुर्ता, शॉल, पजामा, पतलून, और आज के समय में शर्ट, टी शर्ट, जीन्स पैंट, लोअर, अपर, साड़ी, कोट, पैंट। ठीक है, अपने दादा दादी बुजुर्गों से पूछ कर बताइए कि बर्तन, कपड़े, खेल कैसे होते थे। ठीक है, तो खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन होते थे, पहनने के लिए खादी के वस्त्र होते थे, खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने होते थे, खेती करने के लिए हल, बैल और जैविक खाद का उपयोग किया जाता था, एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी और ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीवन के लिए भोजन पानी की व्यवस्था को जानना। ठीक है, लर्निंग आउटकम, पानी, मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से जब जीते हैं। बहुत अच्छी कविता है, श्री प्रसाद जी के द्वारा लिखे थे, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको इधर आपको विश्लेषण कार्य में क्या करना है, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की आवश्यकता होती है उस पर आपको टिक करना है। तो चाय बनाने में, ठीक है, आटा गूंथने में, नाव चलाने में, पौधा उगाने में, चित्र बनाने में और नहाने में जो है पानी की आवश्यकता होती है। ऊपर दी गई कविता को पढ़ें और विचार करें कि जिस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन खींचते हैं और गाड़ी डीजल बिजली से चलती है, उसी प्रकार हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु कैसे जीवित रहते होंगे तो आपको बताना। तुम्हारे घर पर भोजन में कौन कौन चीज़ें खाई जाती हैं, दाल, चावल, रायता, सलाद, पुलाव, खिचड़ी, दलिया, पराठे, रोटी, दूध, दही, ये सब जो है हमारे यहाँ खाया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको यहाँ पर पानी कहाँ कहाँ से मिलना है तो पानी के स्रोत का नाम लिखना है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं और आपको नाम भी दे दिए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे। पानी की बचत के लिए तुम क्या उपाय सोच सकते हो, तो पानी के उचित तरीके से उपयोग करेंगे, पानी को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होने देंगे, पानी का नल खुला नहीं रखेंगे और पानी के लीकेज को बंद करेंगे और नल को टपकते हुए पानी को बंद करेंगे। आपको इस पात्र में आपको जो पसंद है वो खाद्य सामग्री का नाम, वो चित्र बनाना है, तो वो आप खुद बनाएं। ठीक है, चित्र जो भी आपको पसंद है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, तो हमारे घर में पानी नल, कुआं, हैंडपम्प आदि से आता है। जीव जंतुओं के लिए भोजन पानी क्यों आवश्यक है, तो जीव जंतुओं के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, यदि उन्हें जीव भोजन नहीं मिलेगा तो वह बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और हमें पानी किन किन स्रोतों से मिलता है उसकी सूची बनाइए, तो हमें पानी अन्य स्रोतों से मिलता है, निम्न लिखना है, बारिश, तालाब, झील, बावड़ी, सागर, नदी, कुआं आदि। ठीक है,
और इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आपका घर परिवार के महत्व को जान न पाना। इसकी हम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे तो वहीं से आप देखें, ठीक है।